अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वसान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवोगैड्रो नंबर के बारे में कि बेसिकली एवोगैड्रो नंबर है क्या। तो आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर सब कुछ कवर करने वाले हैं अबाउट एवोगैड्रो नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट ब्रीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर को एवोगैड्रो नंबर क्यों कहते हैं? ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, सबसे पहले हम एवोगैड्रो नंबर डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि एवोगैड्रो नंबर है क्या। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये अपने साथ नोट करें, द नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एम फॉर मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकते हैं, एफ फॉर एटम, और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एक मोल में जितने भी पार्टिकल मौजूद होते हैं तो इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इज इट क्लियर? द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, प्रेजेंट इन वन मोल, एक मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं तो इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? कंसीडर करें, मैं एक वन मोल, ठीक है, वन मोल हाइड्रोजन लेता हूं। ठीक है, वन मोल मैंने हाइड्रोजन लिया। अब इस वन मोल ऑफ हाइड्रोजन में जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हुआ? यहां पर आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं तो इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने वन मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया तो इसमें जितने भी पार्टिकल हैं इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो अब डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि किसने डिस्कवर किया है एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हुआ? ये अपने साथ नोट करें। ओके, डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि किसने डिस्कवर किया है, ये अपने साथ नोट करते रहे। दिस वॉज डिटरमाइंड बाई इटालियन साइंटिस्ट, और इसका नाम है एवोगैड्रो। ठीक है, दिस वॉज डिटरमाइंड, ये किसने डिटरमाइन किया है? बाई अन इटालियन, एक इटालियन साइंटिस्ट ने। ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट, एक इटालियन साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है। ठीक है, और इसका नाम है एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो। क्लियर हुआ? ओके, अब एवोगैड्रो नंबर हम डिनोट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करते रहे। डिनोटेशन, हम एवोगैड्रो नंबर डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, एवोगैड्रो नंबर डिनोट करते हैं, ठीक है, बाई एन ए से। क्लियर हुआ? इस तरह हम एवोगैड्रो नंबर डिनोट करते हैं, इस तरह नहीं। ठीक है, अगर इस तरह हो नहीं है, ठीक है, इस तरह हम एवोगैड्रो नंबर डिनोट नहीं करते, इस तरह हम एवोगैड्रो नंबर डिनोट करते हैं। ये अपने साथ नोट करें।
इट इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एन ए, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके, ये अपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं वैल्यू के बारे में, कि एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, वन बाय वन डिस्कस करते हैं वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं वैल्यू, ठीक है, ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये बराबर है 6.023 × 10⁻³, ठीक है, इट्स वैल्यू इज, इसका जो वैल्यू है वो है 6.023 × 10⁻³, ये है वैल्यू किसका, एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं, वो है 6.023 × 10⁻³, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले ले तो इसमें आया एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, हाँ एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप कहेंगे कि हमारे पास वन मोल ऑफ हाइड्रोजन है, सेकंड है कंसीडर करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक है हाइड्रोजन एटम का वन मोल, तो आया इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, हाँ इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, बट ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है, हाइड्रोजन का जो मास है वो कम है और ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का वन मोल ले लें, ठीक है, क्लियर हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मास है वो कम है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है, वो ज्यादा है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। कंसीडर करें अपने एक दर्जन वाटरमेलन लिया, ठीक है, वाटरमेलन का जो साइज है वो ज्यादा है, ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर हुआ, ओके, ये अपने साथ नोट करें, इंपॉर्टेंट है। कंसीडर करें मैंने वन दर्जन वाटरमेलन लिया, ठीक है, ये वाटरमेलन है, कंसीडर करें वन दर्जन, या कंसीडर करें हाफ दर्जन है, ठीक है, ओके, तो हमारे पास कितने वाटरमेलन है, कंसीडर करें हाफ दर्जन है, ठीक है, सिक्स वाटरमेलन है, या सिक्स या मुकम्मल दर्जन ले ले, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, ये क्या है, ये वन दर्जन वाटरमेलन है। अब एक दर्जन में कितने नंबर ऑफ सब्सटेंस आते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं 12 नंबर, ठीक है, अगर 12 नंबर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, वन दर्जन कहते हैं, ठीक है, इसको हम वन दर्जन कहते हैं। इसी तरह यहां पर आप देख सकते हैं मैंने वन दर्जन अंडे लिए, तो इसको भी हम एक वन दर्जन कहते हैं ना, हाँ इसको भी हम वन दर्जन कहते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दर्जन साइज पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कम है और इसका जो साइज है वो ज्यादा है, बट दर्जन डोजन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 12 वाटर मिलन है लेकिन इसका मास ज्यादा है और दर्जन ये जो डोजन है ये डिपेंड नहीं करते मास पे। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास एग है ये कितने हैं, 12 है, बट इसका जो साइज है मीन्स इसका जो मास है वो क्या है, वो कम है, बट ये भी वन डोजन है और ये भी वन डोजन है, क्लियर हुआ, ओके, ये क्लियर हुआ, ओके, तो आप एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट था ये अपने साथ नोट करें, ठीक है? ओके, अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लें तो इसमें आते हैं कितने नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, वो है इसमें 6.023 × 10⁻²। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल है। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास मॉलिक्यूल, आइंस और एटम क्या है, ये पार्टिकल है। तो ये हमारे पास कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल है, ठीक है? यहाँ पर जाहिर है कि ये क्या है, हमारे पास एटम है, ठीक है? इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें इतने नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर आते हैं। ये हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू है किसका, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू है, क्लियर हुआ? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हम ले लें तो इसमें भी 6.023 × 10⁻²³ क्या आते हैं, मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पार्टिकल, क्लियर हुआ? तो आप क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मास है वो कम है और इसका जो मास है वो ज़्यादा है, बट एवोगैड्रो नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, इस तरह अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लें तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, इसमें भी 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल आते हैं, क्लियर हुआ? फोर्थ एग्जांपल, अगर हम वन मोल ठीक है, वन या पर वन मोल है, ठीक है, वन मोल ठीक है, वन मोल, और अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लें तो इसमें भी 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल आते हैं, क्लियर हुआ? दिस ऑल अबाउट एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, या एवोगैड्रो नंबर के बारे में। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आई होप दैट यूर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर अबाउट एवोगैड्रो नंबर। बी हैप्पी, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।